हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदिरा और आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी तीखी चटपटी मार्केट स्टाइल की समोसा चाट घर पर, और इसे हम सर्व करेंगे दो तरीके से। आज चाट का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज पूरी चाट यानी कि जीरो से हीरो तक ये घर पर ही बनेगी। एकदम बढ़िया से क्रिस्पी और खस्ता समोसे, और साथ में बहुत सारी तरह की चटनियाँ जो चाट में डाली जाती है। सिर्फ इसी नहीं, बाकी की दूसरी चाट में भी ये चटनियाँ आप डाल सकते हैं, और कुछ यहाँ पर पाउडर मसाले भी हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम एक के बाद एक चीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दही बना रहे हैं। एक कप मैंने गाढ़ा दही लिया है, इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग आपने नमक डाल देना है, और साथ ही में चीनी डाली है मैंने 1 स्पून। इसे मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए हम इसे फ्रीज में रख देंगे। चीनी इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें चीनी ज़रूर डालें। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार के अंदर 1 इंच जिंजर यानी कि अदरक का टुकड़ा, 3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च ली है, और हरा धनिया डाला है मैंने यहाँ पर 1 बंडल। हरे धनिया के जो स्टेम्स होते हैं, डंठल होते हैं, वो भी आप चटनी में डालें, बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी। और ये एक शिमला मिर्च का टुकड़ा डाला है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और साथ ही में नमक डाला है मैंने 1 स्पून, 1/2 स्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, और साथ ही में यहाँ पर चटनी हमारी बिल्कुल फ्रेश और हरी रहे इसके लिए इसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं मैंने 2, पानी नहीं डाला है, और इसे हमने पीस लिया है। और ये देखिए हमारी बिल्कुल फ्रेश सी हरी चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। इसमें बस एक लेमन को स्क्वीज कर दें, मिक्स करें, और ये हरी चटनी भी बन गई है। अब बना रहे हैं हम भुना जीरा पाउडर। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 चम्मच जीरा गैस पर रख दिया है, और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। कंटिन्यू इसे 2-3 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे, और इस तरह से जब इसमें से धुआं उठने लगे और इसमें से खुशबू आने लगे तब गैस को बंद करेंगे, ठंडा होकर के पीस लेंगे। और अब मैं बना रही हूँ समोसे के लिए आलू का मसाला। तो 1 चम्मच तेल को हमने गर्म कर लिया है। गर्म होते ही 1 चुटकी मैंने इसमें हींग डाल दिया है। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया के बीज, 1 चम्मच है सौंफ, और 1/2 चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा यानी कि करियंडर सीड, फेनल सीड और क्यूमिन सीड। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ अदरक यानी कि जिंजर चॉप्ड, और साथ ही में इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। 7 से 8 हरी मिर्च को मैंने चॉप करके डाला है। जिंजर और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालें। अब अगर आपने जोधपुरी समोसे खाए हैं तो उसमें होता है काजू और किशमिश भी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैंने 1 स्पून इसमें काजू यानी कि कैशू नट्स डाले हैं, और 1 स्पून रेजिन यानी कि किशमिश। धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और ये है मैंने 6 आलू को उबाल करके स्किन निकाला, और फिर उसके बाद मैश करके इसमें मिला दिया है। इस तरह से अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हमें इसके अंदर और कुछ मसाले ऐड करना है, कुछ स्पाइसेस ऐड करना है। तो ये है 1 स्पून गरम मसाला, 1/4 स्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, और थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल नमक आता है सॉल्ट वो डाल देना है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि जो आलू है वो अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, और सारे स्पाइसेस का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छे से आ जाए। 5 मिनट के बाद जब ये काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डालें। और इस पे चूल्हा से इन्हें इस तरह से दबा लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मैशी हो जाए और एक दूसरे के साथ मिलजुल जाएं। अब मैंने इस मसाले को ठंडा कर लिया है, और जैसे ही ठंडा होता है हम इसकी छोटी छोटी सी इस तरह की बॉल्स बना लेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आपने समोसा बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप बॉल का साइज़ रखें। तो सारी बॉल्स मैंने यहाँ पर बना करके रेडी कर ली है। और अब हम यहाँ पर समोसे का आटा लगा रहे हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है यानी कि बेकिंग फ्लावर, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और ये है अजवाइन 1 चम्मच यानी कि कैरम सीड, और इन्हें अपने हाथों में इस तरह से रगड़ के डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हमारे समोसे जो हैं खस्ता बने इसके लिए इसमें मैं 5 चम्मच घी डाल रही हूँ, और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद जब आप इसे अपने हाथों में इस तरह से पकड़ते हैं तो ये होल्ड होना चाहिए, मतलब आपने जो घी है इसमें बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक कड़ा सा हार्ड सा आटा लगा लेंगे। आटा आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड लगा है और इसे हम ढक कर के एक तरफ रख देंगे और फिर 30 मिनट के बाद इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो इसे रख दें आप थोड़ी देर के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं और इसे बाहर निकाल करके हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा सा गूंद लेंगे इस तरह से। खस्ता समोसे बनाने के लिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका आटा इस तरह से हार्ड होना चाहिए। अगर आपने कभी भी राजस्थानी बाटी या बाफले का आटा लगाया है तो वो जितना हार्ड होता है उतना ही हार्ड ये आटा होना चाहिए। इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे और फिर इसके बाद हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। अब हम इसे छोटी छोटी सी पूरियां बेल लेते हैं। जो पूरी है वो ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की आप इसे पूरी को बेलें। पूरी जो हमने बनाई है थोड़ी सी लंबी बनाई है मैंने, इसे हमने चाकू से कट कर लिया है दो हिस्से में। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पानी है हमें ये लगाना है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। दोनों को इस तरह से मिलाएं और इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में हम चिपका लेंगे। ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है इसे बहुत अच्छे से हमें बंद कर देना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसमें से मसाला बिल्कुल बाहर ना निकले। जो हमने आलू की बॉल्स बनाई है एक बॉल डालें और इसके बाद हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करके इसे सब तरफ से फैला दें। जो ओपन वाला हिस्सा है ऊपर, इस पर भी हम इस तरह से पानी लगाएंगे और यहाँ क्या करना है ये देखिए आप, कुछ इस तरह से इसे ट्विस्ट करके चिपका दें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारा समोसा बन करके तैयार हो चुका है। और अगर आप इसे रखते हैं तो ये देखिए कितना आराम से रख दिया है मैंने। एक और एक समोसा हम बना लेते हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर पानी लगाएंगे इस कॉर्नर पर और इसे इस तरह से चिपका देंगे। इस तरफ से भी हमें अच्छे से चिपका लेना है। इसमें डालेंगे हम आलू का मसाला। हल्के से हाथों से इसे हम प्रेस करके दबा देंगे और दूसरी तरफ से इसी तरह से हमें चिपका देना है और फिर से सेम प्रोसेस में थोड़ा सा पानी लगाना है। पानी लगाने से हमेशा से आपके समोसे बहुत अच्छे से चिपकेंगे, ये सिक्योर करेंगे कि समोसे जब हम फ्राई करेंगे तो ये बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर मैंने आपको दो समोसे बनाना सिखा दिए हैं, बाकी के समोसे अब मैं बना लूँगी और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने आराम से ये स्टैंड हो जाते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें तेज़ गर्म ऑयल के अंदर समोसे फ्राई नहीं करना है, जब थोड़ा ही तेल गर्म हो उसी वक्त आप इसमें समोसे ड्रॉप कर दें। कम आंच पर फ्राई करेंगे तो आपके जो समोसे हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। एक बेच समोसा फ्राई करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर आपने यहाँ पर तेज़ आंच करके समोसे फ्राई किए, या कचौरियाँ भी इसी तरह से फ्राई की जाती है, अगर उन्हें भी आपने तेज़ आंच पर फ्राई किया तो ये 2 से 3 मिनट में बाहर से बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी लगेंगे आपको। पर जब आप इन्हें तोड़ेंगे तो अंदर से ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल आटा खा रहे हैं। तो आराम से पेशेंस के साथ आप इन्हें फ्राई करें जब तक कि इनका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। और धीरे धीरे आपको लगेगा कि जब मैंने समोसे डाले थे तब इसमें कितने सारे बबल्स आ रहे थे। जब समोसे पकने लग जाते हैं उस वक्त बबल्स भी इसमें आना कम हो जाते हैं, तो ये साइन है किसी भी चीज़ के ऑयल में फ्राई हो जाने का। समोसे बिल्कुल तैयार हैं, आप चाहें तो इन्हें चाय और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर समोसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी और गर्मा गर्म समोसे। और अब हम बना रहे हैं चाट की सेव। चाट की सेव बनाने के लिए यानी कि नायलॉन सेव बनाने के लिए 1 कप बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर लिया है मैंने। चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी डाला है और 1/2 चम्मच इसमें नमक डाला है, नमक स्वादानुसार डालना है। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा लगा लेंगे। ये थोड़ा सा हाथों में चिपकता है तो केयरफुली मैंने इसका आटा लगा लिया है। तो आटा लग करके तैयार हो चुका है। मेरे पास यहाँ पर सेव मेकर है, सेव बनाने की मशीन, और इसमें मैं ये आटा जो है ये डाल देती हूँ। मैंने नायलॉन सेव का और मसाला सेव का, रतलामी सेव का और गाठिया सेव का रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, पूरा वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो ये चाट की जो सेव है, यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म होने रखा था और इस तरह से एक बैच को ड्रॉप कर देंगे कुछ ही देर में, यानी कि एक मिनट भी नहीं लगेगा और जो सेव है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाती है। बिल्कुल पतली वाली जो सेव होती है चाट में जो जाती है वही सेव है, और इसे हम पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में बना करके स्टोर कर सकते हैं कम से कम 15 से 20 दिन तक। आप चाहें तो इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, बट हमने इसे घर पे ही बनाया है। बच्चों की जो आवाज़ है उसे प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो चाट में लगने वाली सारी बेसिक चीज़ों की प्रिपरेशन हो चुकी है, बनाते हैं समोसा चाट। एक बड़ा सा तवा मैंने गर्म कर लिया है, ऑयल डाला है 1 चम्मच, जैसे गर्म होता है 1 स्पून चॉप किया हुआ अनियन यानी कि प्याज, 1 स्पून चॉप किया हुआ टमाटर यानी कि टोमेटो, और साथ ही में हरी चटनी जो हमने बनाई थी वो 3 से 4 चम्मच मैंने भर के इसमें डाली है। तीखी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ, और 2 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे इमली और खजूर की चटनी। दोनों की रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, तीखी वाली जो लाल मिर्च और लहसुन की चटनी है उसकी रेसिपी आज ही शेयर की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला 1/4 स्पून, भुना जीरा पाउडर, जो भी हमने जीरा को भुना था उसको मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है, और ये डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, और 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे काला नमक। ये सारी वो चीज़ें हम डाल रहे हैं जो चाट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपके साथ में पहले रगड़ा पेटीज चाट, छोले टिक्की चाट और पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर की हुई है, और 1-2 दिन में आपके पास या फिर नेक्स्ट सैटरडे को आपके पास भेलपुरी चाट की रेसिपी भी आ जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा, जो लोगों ने बहुत पसंद की है। यहाँ पर मैंने 3 समोसे तोड़ करके इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम को इस वक्त हम तेज़ कर देंगे, आँच बढ़ा देंगे ताकि हमारे जो समोसे हैं ये फटाफट से गर्म हो जाए। अगर ज़्यादा देर तक हम इन्हें पकाएंगे तो ये सोगी हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। काट करके मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया है और नींबू निचोड़ दिया है 1। एकदम परफेक्ट चाट हमारी बिल्कुल बढ़िया खुशबूदार बन करके तैयार हो चुकी है। बारी आती है अब प्लेटिंग की, तो चलिए हम करते हैं परफेक्ट प्लेटिंग। समोसा चाट को मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर, तो परफेक्ट चाट बन चुकी है हमारी, प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने ऊपर से डाला है इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी, साथ में डाला है मैंने प्याज कटा हुआ, टमाटर डालेंगे थोड़ा सा। चटनियों की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा, खट्टी मीठी चटनी और तीखी चटनी का। ठंडा ठंडा दही हमने ऊपर से डाला है, आप कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर एकदम गर्म चाट और ऊपर से ठंडा ठंडा दही। हरी चटनी डालेंगे, हर चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, और ये है तीखी वाली चटनी। चाट की जो नायलॉन सेव हमने अभी बनाई है वो ऊपर से आप डालें, और थोड़ा सा धनिया। हमारी परफेक्ट मार्केट स्टाइल समोसा चाट बनकर के तैयार हो चुकी है, इसे बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये चाट खाई है और बनाई है। दूसरा तरीका जो मैंने आपसे कहा था ये भी बहुत ही टेस्टी होता है, गरम गरम समोसा को आप तोड़ लें और साथ ही में ऊपर से डालें हरी चटनी, मीठी वाली चटनी और तीखी चटनी, और साथ ही में हम डालेंगे इसके ऊपर भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला और टमाटर, प्याज और कटा हुआ हरा धनिया। ये सेकंड वाला जो तरीका है इसकी चाट भी बहुत ही अच्छी लगती है, घर पर ज़रूर बनाइएगा, बाहर की चाट खाना भूल जाएंगे। थैंक्स।